फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्नोमान में। और आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं बाहर। मैं आप लोगों को कहीं दिखाने वाला हूँ। आज मैं बर्गर खाने जाऊंगा और हम लोग वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग पिछले बार भी गए थे व्लॉग में। बट इस बार मैं आप लोग कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा, वहाँ के अंदर ही चीज़ें दिखाऊंगा। और एक और आप लोग से मैं बात करूंगा, यहाँ पे आप लोग 30 लाइक्स इस वीडियो में कर देते हो ना तो बहुत जल्दी व्लॉग नंबर 3 भी आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो में 30 लाइक कर दो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आप लोग डेली वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आना था, वहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देखेंगे बेस्ट चॉइस लिखा हुआ है ऊपर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा बर्गर मिलता है। मैंने ऑर्डर कर चुका है। आप लोग को यहाँ पे कुछ बहुत सारी वैरायटी मिल जाते हैं। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का चिकन पटाखा बर्गर, जो मेरे हिसाब से जबलपुर में बहुत ही अच्छा बर्गर, और 75 रुपीज़ में आपका बहुत अच्छा पेट भर सकता है। तो मेरे हिसाब से आइए हम चलते हैं, आपको कुछ मेन्यू दिखाते हैं और कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बुरी लगती है, क्योंकि आपको यहाँ पे आप जब ज़्यादा पीपल से तो आपको आधा घंटा से 25 मिनट तक लग सकता है, और आप जब इतने कम है तो फिर आप लोग को 15 से 10 मिनट लग जाता है। तो आपको यहाँ एक टोकन मिलता है, तो जैसे कि आप देखेंगे तो टोकन नंबर आपको मिलता है 30। मेरे को 30 मिला है, देखते हैं इनको क्या मिलता है। तो मैं आप लोग अभी आगे अंदर लेके चलता हूँ, देखते क्या होता है। बहुत बड़ा चमत्कार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ गया है बर्गर, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे कम से कम आधा घंटा पौन घंटा मुझे लगा ही है, और बैठना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मुझे अच्छी बात है, अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं ब्लॉग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ यहाँ पे, और अभी कुछ आप लोगों को बर्गर का नज़ारा दिखाता हूँ कि क्या बर्गर है। मस्त दोस्तों, आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा यमी बर्गर लग रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ का है दोस्तों। इसका जो नाम है वो है चिकन पटाखा बर्गर, और ये मैंने ऑर्डर किया है दो, एक मेरे और एक मेरे दोस्त का। और तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ गया है, और अभी आप लोग कुछ देखिए, मेरा दोस्त है जो टेस्ट करने में लगा है। आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि जो बर्गर, इसका नाम है चिकन पटाखा बर्गर, और ये आप लोग को मिल जाता है 75 रुपीज़ में, और मेरे हिसाब से 75 रुपीज़ में और आपका पेट भर जाता है पूरा। तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कोक भी लिया एक। तो बस अभी मैं खाता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। हो चुका है ख़त्म, और बहुत ही मस्त खाना था और बहुत ही मज़ा आई खाने में। और 75 मेरे हिसाब से बहुत ही वर्थ है, इसलिए इसके प्राइस के हिसाब से और इसका बर्गर। तो ठीक है, अभी चलते हैं, हमको एक और जगह लेके जाते हैं। और चलिए दोस्तों, आ गए हम वापस। अब यहाँ पे आप लोग ये रास्ता मतलब थोड़ा समझ ही गए होगे मैं कहाँ पे हूँ। मैं वापस वहीं, हमने जो व्लॉग नंबर 1 पे किया था, और व्लॉग नंबर 2 पे भी मैं वहीं पे ही आ गया हूँ। और यहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उस दिन बहुत सारा दिखा दिया था। तो सब बोलेंगे फिर से आप वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। तो इस बार थोड़ा स्पेशल करने वाले हैं, तो इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो आइए चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप रिपीट कर रहे हो वही, मगर दोस्तों ये कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का भी थोड़ा दिखा दूँ, मैं जहाँ और गया था वो भी दिखा दूँ। तो बस इसलिए थोड़ा व्लॉग थोड़ा बड़ा बना क्या छोटा मुझे नहीं पता कैसा बनता है। तो प्लीज़ यार व्लॉग को लाइक करके जाना, और प्लीज़ ऐसी कमेंट मत करना कि आप वापस वही व्लॉग बना रहे हो। मगर और मैं बहुत बोल रहा हूँ, आज आप लोगों ने इस व्लॉग पर 30 लाइक कर दिए, तो मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग लाने वाला हूँ। अब यहीं पर नहीं लाएंगे, बस बहुत जगह मैं और भी व्लॉग लाऊँगा। तो प्लीज़ 30 लाइक इस व्लॉग पर बनता है। दोस्तों अभी चलते हैं घर पे, और मैं आप लोगों को शॉर्ट्स दिखाता हूँ, और बहुत ही अच्छा व्लॉग बना है। आप लोग प्लीज़ व्लॉग को लाइक करके जाना। चलिए घर चलते हैं। ये
ये आ गया हम लोग में घर और बहुत थक गया मैं, और बहुत ही मस्ती और बहुत मज़ा आई जाने में। और अब मैंने यहाँ पे आज का जो ब्लॉग था मैंने देखा कि यार थोड़ा सा ब्लॉग जो है थोड़ा अच्छा नहीं बना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ पे और बहुत सारे लोग मुझे ही घूरे जा रहे थे। अब जबलपुर में ब्लॉग करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और वो आप कर लो तो बहुत बड़ी बात है, बट मैं इतना भी अच्छा नहीं कर पाया। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना यार, कि आप लोग को बहुत मेहनत की है और एडिटिंग में बहुत मेहनत लगने वाली है मुझे पता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना यार, मतलब लाइक ही बस आप लोग को चाहिए, और अच्छी सी कमेंट कर देना कि आप लोग को जो भी पसंद आया इस व्लॉग में। बस यही था थोड़ा, मैंने सोचा भी अगला व्लॉग जो होगा 30 लाइक्स हो जाते हैं, तो मैंने सोचा है आप लोग को अपनी लाइफ के बारे में बताने में, क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, क्या नहाता हूँ, क्या करता हूँ, सब बताऊँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता मेरी लाइफ में। तो ये आप लोग को मिलने वाला है एक व्लॉग में, तो ज़रूर इस व्लॉग को 30 लाइक तक तो पहुँचाना ही पहुँचाना है, वरना ये नेक्स्ट व्लॉग नहीं आने वाला है। तो 30 लाइक तक आप लोग को पहुँचाना है। तो बस दोस्तों, जो आज का वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को आज के लाइक करके जाना, और ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोग के डेली कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ मैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।